वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही कंफ्यूजन वाला भी टॉपिक है और बड़ा ही टेरिबल हॉरिबल कुछ ही कह सकते हैं। बच्चे जैसे ही आता है कि वर्ड्स प्रॉब्लम, बच्चे आनाकानी करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो छोड़ देना है, वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। इस टाइप की जो चीज़ें आती है दिमाग में ना, आज इस चीज़ें भूल जाओ, क्योंकि देखो वर्ड्स प्रॉब्लम जो है वो रियल मैथमेटिक्स है। अगर आपको वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो समझ जाओ आपने अभी तक जो मैथमेटिक्स पढ़ा है, समझा है, वो सब बेवकूफ़ी है, वो सब आप झूठ बोल रहे हो, आप समझे नहीं हो। बस चीज़ों को दो तीन बार पढ़ लिया है और वो चीज़ आपको याद हो गई, रट लिया आपने, अगर आपको वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं आता है तो। और अगर आपको वर्ड्स प्रॉब्लम आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब कि आप मैथमेटिक्स को समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैथमेटिक्स का जो रियल मैथमेटिक्स है वो है वर्ड्स प्रॉब्लम। अब वर्ड्स प्रॉब्लम आते स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या आता है, वर्ड्स प्रॉब्लम आते स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या आता है कि इसको हम एग्जाम में छोड़ देंगे, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो छोड़ देंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन है इसको पढ़ के हम पास हो जाएंगे। उन्होंने पूरी बुक में देखा इतने इतने वर्ड्स प्रॉब्लम है, इन सबको हटाओ, बाकी कितने मार्क्स है उसको हम जोड़ लेते हैं और पास हो जाएंगे। तो केवल पास होने के लिए मैथमेटिक्स पढ़ो तो एंजॉय करो मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। नाउ फर्स्ट थिंग इज कि आप वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे समझोगे। बिल्कुल, मैं आज वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इसको पूरी तरीके से देखना, मैं आपके पूरे पूरे वर्ड्स प्रॉब्लम को क्लास नाइन्थ के आज यहाँ पर क्लियर करूँगा। फर्स्ट थिंग है रीड द क्वेश्चंस। आपके पास वर्ड्स प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन को रीड करो, पहले पढ़ो उसको। आपको लगता है कि मैथमेटिक्स को वर्ड्स प्रॉब्लम को छोड़ दोगे? नहीं, कैसे छोड़ दोगे यार? आपको लगता है ना मैथमेटिक्स को वर्ड्स प्रॉब्लम को छोड़ के आप आगे भाग रहे हो, लेकिन वर्ड्स प्रॉब्लम आपके पीछे पीछे भाग रहा है, आप आगे आगे, डेविल आपके पीछे पीछे। तो ये डेविल है ही है अगर इसको छोड़ के भगोगे तो, और आखिरी में यही दिखेगा कि आप भगते भगते आखिर में वर्ड्स प्रॉब्लम के सामने जाके टकरा जाओगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, आराम से पढ़ो, एक बार पढ़ो, रीडिंग लगाओ, क्वेश्चन को पढ़ो, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को समझो। और अगर आप क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम है लैंग्वेज की, क्योंकि CBSE में आप हो तो आपको इंग्लिश में पढ़ना है, अगर तो मैक्सिमम बच्चे जो हिंदी मीडियम से बच्चे CBSE में आए हुए उनको प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज को कैसे समझे। अब लैंग्वेज कोई मैथमेटिक्स कोई इंग्लिश की लिटरेचर लैंग्वेज नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, जो कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, जो टर्म्स हैं, मैथमेटिकल टर्म्स, जैसे मैंने लिखा टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, इन सब का जो मतलब है वो आपको समझ में आना चाहिए कि हम कैसे इसको देखें, क्या हम इसको समझ सकते हैं। इट क्लियर? चलो, तो इसको इम्प्रूव कैसे करोगे? इम्प्रूव करने का एक सिंपल सा तरीका है, जो भी आपको टर्म्स मिल रहे हैं उसको इस जगह लिखो, एक डिक्शनरी बनाइए मैथमेटिक्स की, वहाँ पे सारे टर्म्स को लिखो। मुश्किल से 50 से 60 टर्म्स होंगे पूरे मैथमेटिक्स में, जो हर जगह पूरे मैथ्स में आपको 9th, 10th, 11th, 12th में मिलेंगे बार बार। और उसी को अगर आपने बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिया, इसका मतलब क्या है, फिर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बहुत कम होगी, बहुत माइनर होगी, कि वर्ड्स प्रॉब्लम आप समझ नहीं पा रहे हो। जब आप वर्ड्स प्रॉब्लम भी समझ गए, क्वेश्चन सॉरी आप लैंग्वेज को भी समझ गए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आपको करना क्या है कि हम इक्वेशन को कैसे बनाएं। इक्वेशन भी तो बनाना जरूरी है कि हम इक्वेशन कैसे बनाएं। आपने अगर इक्वेशन भी बना लिया तो फिर प्रॉब्लम मैं बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेशन की आएगी, तो कैलकुलेशन आपका बेस्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन कर लिया आप तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कोई बात ही नहीं फिर। तो और जरा देखते हैं कि हम वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। जब भी हम इक्वेशन को बनाते हैं तो कुछ चीज़ों को कंपेयर करते हैं आपस में, कि ये इसके इक्वल है, इसकी एज उससे 2 times है, 3 times है, जो भी चीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं 2 times। टाइम्स का मतलब क्या होता है? टाइम्स का मतलब इनटू, ट्वाइस, इसी 2 times को हम ट्वाइस भी बोलते हैं, 3 times, टाइम्स जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर हमें क्या करेंगे, वहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, 3 times, 3 का मल्टीप्लाई, 4 times, 4 का मल्टीप्लाई, उसी को हम ट्वाइस बोल देते हैं, 3 times को थ्राइस बोल देते हैं। उसके बाद मोर देन कहीं आ रहा है कि मोर देन 1 है, कि तुम्हारे पास जितना मनी है उससे मोर देन 2 मेरे पास है। मान लो तुम्हारे पास 100 है तो मोर देन 2 मेरे पास है, मतलब 100 + 2 करोगे ना, यहाँ पर इंटू तो नहीं कर दोगे। तो जहाँ भी मोर देन लिखा हो, मोर देन का मतलब हमें उतना उसमें ऐड करना है, टाइम्स कहीं लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई करना है, लेस देन कहीं पर है तो माइनस करना है। ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए इक्वेशन में, ये चीज़ें मैक्सिमम जगहों पर यूज होती है। चलो, अब वर्ड्स प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो पूछी जाती होता है वो या तो एज प्रॉब्लम होती है या तो डिजिट प्रॉब्लम होती है। तो अभी आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, करना चाहते हो कर भी सकते हो, ये मोस्टली मैं
टेंथ के वीडियो में इन सब के बारे में बताऊंगा। आप देखना चाहोगे वहां पे जाकर के देख लेना। अदरवाइज मैं यहां पर आपकी बुक के क्वेश्चंस को यहां पर मैं लिख रहा हूं और आपको उसके बारे में बता रहा हूं एनसीईआरटी के, उससे आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि हम एक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर आपके इक्वेशन वन वेरिएबल टू वेरिएबल, इक्वेशन दो तरीके से बन सकता है, या तो वन वेरिएबल का हो या टू वेरिएबल का हो। मान लो एक ही इक्वेशन को मैं दो तरीके से लिखता हूं, मैंने लिखा मान लो कि कोई भी एक इक्वेशन है, फिर हमने वही लिया कि x तुम्हारे पास x रुपए हैं, मेरे पास y रुपीज हैं, और दोनों के रुपीज को मिला दिया जाए टोटल 100 रुपीज हो रहा है। ये तो टू वेरिएबल का हो गया इक्वेशन। बट इसी को अगर हमें वन वेरिएबल में लिखना हो, x y ना हो, केवल हमें दोनों को x के फॉर्म में लिखना हो, तब हम क्या करेंगे? अगर तुम, मैंने मान लिया कि मेरे पास x रुपीज हैं, तो तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे? तो यहां पे y रुपए नहीं लिखना है, x के फॉर्म में लिखना है। तो हम करते क्या हैं, इस y को उधर ट्रांसफर करो। y को कहने का मतलब ये है कि ये y लेना नहीं है। यहां पर मान लो कोई x के फॉर्म में कोई नंबर होगा, तो जाहिर सी बात है ये उधर जाएगा, तो 100 से अगर x माइनस कर दो, तो ये बात आ रही है, अगर मेरे पास x रुपए हैं, तुम्हारे पास कितने रुपए नहीं पता है, लेकिन ये पता है दोनों को मिला करके 100 रुपीज है, बात आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 100 से x को माइनस कर दिया तो इसके रुपए के बारे में पता चल जाएगा। कैसे? देखो, मैंने कहा कि मेरे पास टोटल मिला के 100 रुपीज था, मैंने मान लिया ये वाली चीज, हमने एक किसी भी एक बंदे का वेरिएबल हमें डिसाइड करना है, मैंने मान लिया कि इसके पास 40 रुपीज है, इट्स क्लियर, टोटल 100 रुपीज था, टोटल कितना था 100 था। तो अब ये बताओ दूसरे वाले के पास कितने रुपए होंगे? अब यहां से तो तुम तुरंत बता दोगे ना, इसके पास 40, इसके पास 60 होगा, 60 कैसे आया यहां पर? तुमने 100 से इस 40 को क्या किया है, 100 से इस 40 को माइनस ही तो किया है, तभी तो कितना आया, 60 आया। ये इसी को वेरिएबल के फॉर्म में क्या ले सकते हो, जैसे यहां पर अगर इस 40 की जगह तुमने क्या लिखा, x रुपीज है, तो दूसरे वाले के पास कितना होगा, तुमने 100 से इस x को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब जब x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी कि x की वैल्यू 40 है, तो तुम्हें इस दूसरे वाले के पास कितने रुपए हैं वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। 100 से 40 क्या करोगे, माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये है एक वन वेरिएबल के रूप में इस चीज को लिखने का तरीका है। अब हम जरा तुम्हारे बुक में जो क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं, उसके थ्रू हम इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो मेरे पास यहां पर बुक है, अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। लिख रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अब तुम्हें सोचना क्या है यहां पे, कि हमें ना तो नोटबुक की कॉस्ट पता है, नोटबुक की कॉस्ट भी नहीं पता हमें, और पेन की भी कॉस्ट नहीं पता हमें, तो हम किसी को ट्वाइस कैसे करेंगे? तो कम से कम हमें यहाँ पे दोनों की कॉस्ट तो पता होनी चाहिए, तो हमें दोनों की कॉस्ट नहीं पता है। तो हमने मान लिया, जैसे आपके बुक में दिया भी हुआ है कि नीचे, कि आप नोटबुक की कॉस्ट x मान लो और पेन की कॉस्ट y मान लो। तो हमने क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ क्या था, पेन इक्वल्स टू वाई रुपीज, ये मान लिया हमने। अब क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन के। यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ किसका, पेन का, ट्वाइस कॉस्ट ऑफ पेन। अब सेम जो ये इंग्लिश लैंग्वेज देख रहे हो, इसी को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल है ट्वाइस का मतलब क्या होता है, टू टाइम्स, ट्वाइस ऑफ का मतलब इनटू ही होता है, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ पेन कितना है, कॉस्ट ऑफ पेन वाई। तो यहां से तुम्हारा इक्वेशन क्या बना, एक्स इक्वल्स टू टू वाई। एक अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो क्या करो, x माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। सिंपल सा है, आपको बस यही चीज समझना है कि किसको ट्वाइस कर रहे हैं हम। कई बार क्या होता है ना, कि मैंने बोला कि मेरी एज तुम्हारी एज का टू टाइम्स है, तो
तो लोग सोचते क्या हैं उसको, मैंने लिखा कि मेरी एज मान लो एक्स है और तुम्हारी एज वाई है, गेट क्लियर। मैंने बोला कि मेरी एज तुम्हारी एज का टू टाइम्स है, तो हमने टू का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया, ये गलत है। लैंग्वेज को देखो, माई एज इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ वाई, लैंग्वेज समझ रहे हो इंग्लिश की, मेरी एज बराबर है तुम्हारी एज के टू टाइम्स के, तो इक्वेशन ये होगा ना। अब इसको मैं वैसे भी लिख करके दिखाऊं मैं कि कैसे यहाँ पे टू टाइम्स करोगे गलत होगा। मैंने बोला कि मेरी एज तुम्हारी एज का टू टाइम्स है, मेरी एज मान लो 40 है, मैंने बोला कि मेरी एज तुम्हारी एज का टू टाइम्स है। अब ये बताओ टू टाइम्स है मतलब मैं डबल हूँ तुम्हारी एज का, मतलब तुम्हारी एज 20 रही होगी और मैं कितना हूँ 40 हूँ, तुम्हारी एज का डबल हूँ, इट क्लियर। अब बताओ जरा टू का मल्टीप्लाई किधर करोगे, हमें इक्वेशन जहाँ हमने ये इक्वल लिखा हुआ है ये इक्वल होना भी तो चाहिए, तो टू का मल्टीप्लाई कहाँ पर कर रहे हो, यहाँ पर कर रहे हो, यहाँ पर, तभी तो इक्वेशन 40-40 होगा यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी हम लिखते हैं तो इक्वेशन की लैंग्वेज को समझो कि लैंग्वेज कैसे लिख रहा है, कि माई एज इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ तुम्हारी एज, मतलब वाई की एज, ओके। अब इसमें आपका एक एक्सरसाइज है 4.3 में देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी जरा देख लो। मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये सब आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना आपको पता है, नहीं पता होगा तो पता ना। देखो 4.3 में क्वेश्चन नंबर 4 लिखा होता है, टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, टैक्सी फेयर सिटी का कुछ दे रहा है, आप लोग बुक देख लेना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी ऊपर में शो कर दूंगा। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है, फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो कितना है, ₹8 है पहले किलोमीटर का फेयर, ठीक है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, बाकी जो डिस्टेंस बचा वहाँ पे ₹5 लिया जा रहा है पर किलोमीटर, अब कितना बचा हमें नहीं पता। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, टेकिंग अ डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर, मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड मतलब कि टोटल डिस्टेंस तुमको क्या मानना है, टोटल डिस्टेंस जो है वो है एक्स किलोमीटर, जो चीज़ तुम्हें गिवन उसको लिखते जाओ पहले, फिर इक्वेशन हम बनाएंगे। फिर क्या लिख रहा है इसमें, एंड टोटल फेयर इज ₹Y, और टोटल फेयर कितना है, टोटल फेयर इक्वल्स टू ₹Y, ओके। राइट अ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम दिस फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, तो ग्राफ को ड्रॉ करने पहले इसमें इक्वेशन बनाते हैं। अब बिल्कुल देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान सा है, कुछ नहीं है। यहां पर जब हम इक्वेशन बनाएंगे, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इसको, जल्दी जल्दी मिटा भाई। चलो अब क्या टोटल फेयर वाई है, अब बताओ अगर हमें एक इक्वेशन बनाना हो, मैंने बोला कि अगर हम अभी एक्स वाई छोड़ दो, अभी ऐसे सोचो कि मैं 1 किलोमीटर का ₹8 ले रहा है, जैसे देखते हो ना आज ये ओला या उबर ये सब जो चलते हैं, ताकि शुरुआत में आपको ₹30 या ₹20 चार्ज वो फिक्स कर देते हैं, उसके बाद वो हर किलोमीटर का चार्ज लेते हैं, वो कि उन्होंने कर दिया कि आप जैसे ही ओला या कैब में बैठे कहीं पर भी तो ₹30 फिक्स है, चार्ज आपको 30 देना ही देना है। अब अगला किलोमीटर आएगा तो ₹8, अगला किलोमीटर फिर ₹8, ठीक है इस तरीके से। तो यहाँ क्या है, इसने क्या फिक्स किया है, फर्स्ट पहले 1 किलोमीटर का ही ₹8 ले रहा है, ठीक है, उसके बाद जितने किलोमीटर बच रहे हैं, अब कैसे पता चले कितने किलोमीटर बचे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, एक्स किलोमीटर, एक्स किलोमीटर से 1 किलोमीटर निकाल दो तो कितना किलोमीटर बचेगा, एक्स से 1 किलोमीटर निकाल दो तो एक्स माइनस 1 किलोमीटर बचेगा, क्यों, क्योंकि ये तो माइनस नहीं कर सकते ना, तो इतना किलोमीटर तुम्हारा रिमेनिंग बचा हुआ है 1 किलोमीटर के बाद। अब ये क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर का तो ₹8 लिया, बाकी जो किलोमीटर बचा है हर किलोमीटर का ₹5 ले रहा है, इट क्लियर। तो मैं यहाँ पे सीधे से ₹5 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, कि बाग फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 और बाकी किलोमीटर के लिए ₹5, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरा टोटल फेयर आ जाएगा मेरा ना। जैसे कि मैं बोल दूँ कि पहले किलोमीटर के लिए अगर ₹8 लिया और बाकी मान लो टोटल 10 किलोमीटर था, तो बाकी कितना बचा, 9 किलोमीटर ना, और 9 किलोमीटर के लिए वो कितने रुपये ले रहा है, 5, मतलब कि 9 किलोमीटर के लिए नहीं हर किलोमीटर के लिए, तो मतलब कि एक बाकी जो किलोमीटर बच रहे हैं उसमें ₹5 ले रहा है, तो 9 किलोमीटर कितना लेगा, ₹45 लेगा टोटल,
इसमें मल्टीप्लाई कर दो टोटल निकल जाएगा ना। तो इसी तरीके से अब इक्वेशन हमें बनाना है। इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो टोटल फेयर कितना हुआ, तो इसी तरीके से देख लो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल फेयर वाई है, तो वाई से हम इक्वेशन बना सकते हैं कि टोटल फेयर इज इक्वल्स टू पहले किलोमीटर का फेयर, तो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है, 8 रुपीज। 1 किलोमीटर में 8 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं ऐसे ही लिख देता हूं कि 1 किलोमीटर इंटू कितने रुपीज, 8 रुपीज। इतना तो केवल फेयर लगा नहीं है, फेयर कितना लगा है, अभी इसको ब्रैकेट में कर दो। इसमें और क्या ऐड होगा, अभी अभी बाकी जो किलोमीटर है उसका भी रुपए तो ऐड होगा, तो बाकी किलोमीटर कितना है, x माइनस वन है बाकी किलोमीटर। इसमें क्या करोगे, 5 रुपए का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 5-5 रुपए ले रहा है ये, 5 का तुमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तुम्हारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अगर मैं इस 1 किलोमीटर में जितने कॉस्ट लग रहा है जितने रुपए, और बाकी किलोमीटर में जितने रुपए लग रहा है, दोनों रुपयों को ऐड कर दूं तो टोटल फेयर आ जाएगा हमारा, तो y इक्वल्स टू 1 किलोमीटर का 8 रुपीज़। तो ये 8 रुपीज़ ही होगा, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 8, ये तो 8 हो गया। प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 5 का अंतर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 5x माइनस 5, यही होगा ना। अब इन सबको सॉल्व करो कितना क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5x को मैं इधर ही लिख देता हूँ, 5x, और 8 से 5 माइनस कर दो कितना बचेगा, 3। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। जब ग्राफ पे तुम्हें ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे और y की वैल्यू तुम पाओगे। अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहते हो कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो इसको, 5x y को उधर भेजो, माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एक इक्वेशन तुमने फॉर्म कर दिया। और अगर तुम्हें, मैंने बताया था ग्राफ पे जब शो करते हैं तो एक वेरिएबल को इधर पे रखो और बाकी सबको नंबर के साथ वेरिएबल को उधर ट्रांसफर कर दो, और x की वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू मिलेगी, x पुट करोगे y मिलेगा तुम्हें। इस तरीके से तुम 3 वैल्यू निकालो xy की, और तुम उसको क्या कर सकते हो, ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी हम केवल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। अब यहाँ पर तुम्हारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ, इफ द वर्क डन बाई अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी। तो देखो सिंपल क्या करना है, पूरा देखो, इफ द वर्क डन बाई अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ। ओके, और नीचे कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है, By taking the constant force as 5 units, correct? Constant force कितना है, 5 units। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि तुम्हें constant force दिया हुआ है, मतलब एक तरीके तुम्हें constant force, या तुम ये समझो कि constant दिया हुआ है कितना, 5 units constant है, जिसका मतलब कि तुम इसको x y नहीं मानोगे, इसको एक constant की तरह ही treat करोगे। Second thing दिया हुआ है work done, तो work done तुम्हें नहीं पता कितना है, तो work done को क्या मान लो, work done को x मान लो, मान लो कि वर्क डन कितना है, x यूनिट है, मान सकते हो ना, ठीक है। तो वर्क डन हो गया, और क्या हो गया, फोर्स हो गया, और साथ में इसमें एक डिस्टेंस की बात कर रहा है कि वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस को क्या मान लो, डिस्टेंस को y यूनिट मान लो कि y यूनिट कवर कर रहा है, इतना क्लियर है। अब कह रहा है कि इस चीज को लेकर के एक इक्वेशन फॉर्म करो, तो हम इसको इक्वेशन कैसे फॉर्म करें, यहाँ से देखो वर्क डन है, फोर्स है, डिस्टेंस है। अब यहाँ से तुम्हें अगर इक्वेशन बनाना हो, तुम्हें एक फॉर्मूला पता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये पता है। अब यहाँ से सीधे तुम वैल्यू पुट कर दो, वर्क डन कितना है, एक्स है, इक्वल्स टू फोर्स कितना है, 5, डिस्टेंस कितना है, वाई, मतलब तुम्हारा एक इक्वेशन यहाँ पे बनकर तैयार हो गया, लिख सकते हो एक्स माइनस 5y इक्वल्स टू 0, ये तुम्हारा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। अब इसी में तुम्हारा क्वेश्चन नीचे जो दिया हुआ है, कह रहा है कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। कह रहा है कि अगर डिस्टेंस जो है ये एक बार 2 यूनिट हो और एक बार 0 यूनिट हो, तो वर्क डन कितना होगा, ये तुम्हें बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, डी का मतलब क्या है, मतलब तुम्हें वाई की वैल्यू गिवन है तुम्हें, तो एक बार क्या करो, इसी इक्वेशन में वाई की जगह 2 रखो और इसी इक्वेशन में वाई की जगह 0 रखो, देखो क्या हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू 2, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, 10,
तो वर्क डन कितना हो गया, 10 यूनिट हो गया। अब तुम्हें पता है कि अगर हम इसी इक्वेशन में y की जगह 0 रख दें तो 5 × 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इट क्लियर? अगर यहाँ पर तुमने डिस्टेंस को 0 किया तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिजिक्स तो हल्की फुल्की पड़ी होगी सबने ना। और यहाँ पर अगर तुमने डिस्टेंस को डबल किया तो वर्क डन क्या हो गया, डबल हो गया, 5 × 2 = 10 हो गया। यही तुम्हें यहाँ पर करना था। और इसी को तुम ग्राफ पे क्या करोगे, शो कर दोगे। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, मिल गई तुम्हें ना। जैसे क्या करोगे, एक्स वाई की वैल्यू तुम्हें लिखनी हो तो ऐसे लिखोगे, यहाँ पर क्या है एक्स लिखो, यहाँ पर वाई लिखो। एक्स की जगह तुमने क्या रखा, सॉरी वाई की जगह तुमने क्या रखा, पहले 2 रखा तो एक्स कितना आ गया, वाई की जगह तुमने 2 रखा था तो एक्स कितना आ गया, 10 आ गया। वाई की जगह तुमने 0 रखा तो एक्स कितना आ गया, 0 आ गया। इसी को तुम ग्राफ पे शो कर दो, ग्राफ पे तो शो कर लोगे यार। नाउ थर्ड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ, यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट्स इन क्लास 9th ऑफ ए स्कूल टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। रिलीफ फंड होता है ना, प्रधानमंत्री का एक राहत कोष होता है, किसी भी डिजास्टर में वो काम आता है। तो वहाँ पर क्या किया, फातिमा एंड यामिनी दोनों ने मिल करके कितने रुपये कंट्रीब्यूट किए, मतलब अर्थक्वेक के लिए यहाँ पर दिया हुआ है ₹100। यामिनी प्लस फातिमा दोनों ने कितने दिए, ₹100। सिंपल से इक्वेशन बन गया और कुछ नहीं करना है, 2 वेरिएबल बताना है। तो तुमने लिख दिया कि कॉन्ट्रीब्यूशन बाई यामिनी इज ₹X एंड कॉन्ट्रीब्यूशन बाई फातिमा इज ₹Y इक्वल्स टू कितना होगा, ₹100। तो X + Y = 100, ये तुम्हारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। और इसको तुम्हें ग्राफ पे शो करना आना चाहिए, सिंपल से कर सकते हो, कुछ भी करो। कैसे करोगे ग्राफ पे शो, तो यहाँ से सीधे क्या करोगे, X = 100 - Y लिख दो, ग्राफ बना लो इस तरीके से। कैसे बनाओगे, टेबल बनाओगे, यहाँ पर X लिख लो ऊपर, यहाँ पर Y लिख लो, दिस 1, 2, 3 टेबल। तो क्या करोगे, कोई भी वैल्यू रखो, Y की वैल्यू क्या रख दें हम, 0 रख दें। अगर Y 0 हुआ तो X कितना बचेगा, टोटल 100 बचेगा। अगर Y हम 50 कर दें, Y को 50 रख दें, 100 से 50 माइनस होगा तो X कितना आएगा, 50 आएगा। अगर हम कुछ और रख दें, यहाँ पर 100 रख दें X की जगह, Y की जगह, Y अगर 100 हुआ तो X क्या हो जाएगा, 100 - 100 = 0 हो जाएगा। अब इसको तुम ग्राफ पे ड्रॉ कर लो, सिंपल सा बिल्कुल है। मैं बात कर रहा हूँ जिसको ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आता, मैंने ग्राफ के लिए बना रखा है वीडियो, उसको जा कर के देख लो। अगर वो तुम्हें लगे कि वीडियो, चूँकि मैंने एक क्वेश्चन पर बना रखा है उसको, अगर फिर भी लगे कि वीडियो थोड़ा और बढ़िया से बनाओ, डीपली बनाओ, तो बताना। इसमें एक और क्वेश्चन है लास्ट में, एनकंट्रीज लाइक, क्वेश्चन नंबर 8, एनकंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट, मतलब कनाडा और USA में जो टेम्परेचर मेजर होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है, वेर एज इन इंडिया लाइक, मतलब इंडिया में वो मेजर होता है सेल्सियस में। ये तो आप लोग देखते ही होंगे, हेयर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है F = 9/5 × C + 32। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना हो तो क्या करोगे, सिंपल सा सी और एफ का एक टेबल बना लो। हमने क्या किया, सीधे ऐसे बनाया, इसको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे सी रखा, यहाँ पर एफ रखा, इट क्लियर। सी की वैल्यू मान लो मैंने 0 रख दिया, अगर सी 0 किया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एफ इक्वल टू कितना बचा, 32। कैलकुलेशन आना चाहिए, बार बार मैं छोटा छोटा कैलकुलेशन करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, हमारी बेइज्जती तुम्हारी बेइज्जती दोनों की बेइज्जती है। अब क्या करो, कुछ वैल्यू यहाँ पे ऐसी रखो कि ये कैंसिल हो जाए, मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाता है ना, ऐसा करते हैं 5 रख देते हैं, 5 रख दिया हमने, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा, 9 + 32, 32 में 9 को क्या करो, ऐड कर लो, 41। फिर कुछ यहाँ पर रखो जो 5 से कट जाए, 10 रख लो, 10 रख लिया हमने C की जगह, तो 5 × 2 = क्या हो गया, यहाँ पे अगर 10 रखा तो 5 × 2 = 10, तो 9 × 2 = 18 + 32 हो गया। अब कैंसिल कर दो इसको, कितना बचा, 18 + 32 = 50। अब इसको ग्राफ पर क्या करोगे, शो कर लोगे। आओ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो जो मैंने रखा कोई जरूरी नहीं है कि यही तुम भी रखो, कुछ भी तुम रख सकते हो। मैंने बस ये सोच के रखा कि जो इजली कैंसिल हो जाए, कट हो जाए, इस तरीके से रखा हमने। सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या रहा है तुम्हें, ये सब हटा दिया जाए अभी। सेकेंड क्वेश्चन में तुमसे बोल रहा है दिस इज फाइव, दिस इज कुछ नहीं, इसको इरेज कर देते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, वॉट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब सेल्सियस तुम्हें दिया हुआ है 30 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट कितना होगा? तो कुछ नहीं होगा, सेल्सियस 30 डिग्री है तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, सी की जगह क्या रखोगे 30, तो 9/5 × 30 + 32, तो 5 से कैंसिल कितने बार में, 5, 6 जा 30, तो 9, 6 जा 54 + 32, इसको ऐड कर दो 5 और 3, 8, मतलब 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, कह रहा है कि अब तुम्हें फ़ारेनहाइट दिया हुआ है कितना 95 डिग्री, तो कह रहा है कि अब क्या बताओ, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, अब कह रहा है सेल्सियस बताओ। तो देखो कैसे करेंगे इसको, हमने क्या कर दिया, ये तुम्हें दिया हुआ है 95 = 9/5 × c + 32, तो 32 को हम इधर लेकर के आ जाते हैं, तो 95 - 32 = 9/5 × c, ये जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 2 गया 3, 9 से 3 गया 6, 63 = 9/5 × c, इस 5 के अंदर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 63 × 5 = 9c, 9c बचाना यहाँ पर, मतलब क्या बचा, 63 × 5 = 9c। अब 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये इधर आएगा तो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 63 × 5 / 9 = c, इसको हमको क्या करना है, कट करना है, तो 9 से 63 कैंसिल होगा, 9, 7 जा 63 और 7, 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री सेल्सियस आ गई, सही पूछा था ना, यस। चलो ये समझ में बात आ गई, कैलकुलेशन केवल है सिंपल सिंपल सा, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, और अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो दोबारा मत पूछना। अब इसमें जरा देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, मतलब देखो तुरंत लिख रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि सेल्सियस तुम्हें दिया हुआ 0 डिग्री, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, उसको तो देख तुम बता सकते हो कि अगर ये 0 हुआ तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो फ़ारेनहाइट कितना बचा 32, तो सीधे हो गया 32 डिग्री। अब ऐसे उल्टा कह रहा है कि अगर ये फ़ारेनहाइट 0 हो गया तब सेल्सियस कितना होगा, तो इसको देख लेते हैं, तो ये 0 हो गया = 9/5 × c + 32, 32 को इधर भेज देते हैं, भेज दो 32 इधर आएगा तो -32 हो जाएगा = 9/5 × c, 5 के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -32 × 5 = 9c, 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो -32 × 5 / 9 = c, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर कर देते हैं 32 और 5 को, तो आ जाएगा ये 5 जा 10, 5 3 जा 15, 16, 160, मतलब -160 / 9 = c, और इसको कट कर देते हैं 17.8, ठीक है, ये आ गई आपकी c की वैल्यू आ गई 17.8। इसमें नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। तो हम मान लेते हैं कि जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर वो x डिग्री है, c का जो टेम्परेचर वो भी x डिग्री है, मतलब कि f की जगह भी हम x रखेंगे और c की जगह भी हम x रखेंगे, और x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या टेम्परेचर आ रहा है। तो आओ, तो f की जगह हमने क्या रख दिया x, क्योंकि देखो हमने कहा ना f और c दोनों का टेम्परेचर क्या है, इक्वल है, तो दोनों को हम क्या मानेंगे, अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल है तो वेरिएबल तुम केवल x मान सकते हो ना, ये नहीं करोगे इसका x और उसका y, अगर तुमने डिफरेंट वेरिएबल लिया इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर तुम डिफरेंट मान रहे हो, ये ध्यान रहे। 9/5 × x + 32, देखो यहाँ पर ये सेम वेरिएबल है, यहाँ भी x है, तो वेरिएबल वाले को एक तरफ कर लो, कॉन्स्टेंट को साइड में रखो,
तो x ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 9 बाई 5 एक्स, इसको मल्टीप्लाई जब करोगे इक्वल्स टू इधर क्या बचा 32 है। इसमें से क्या करें, x को कॉमन ले लें, थोड़ा इजी हो जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा माइनस ये x बाहर आ गया, इधर क्या बचा 9 बाई 5 बचा इक्वल्स टू 32। यहाँ से क्या हो जाएगा x, इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम होगा, 1 5 जब 5 तो ऊपर 5 हो जाएगा, 5 माइनस 9 ये होगा ना इक्वल्स टू 32। इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या हो गया x 5 माइनस 9 जब करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 32। अब देखो यहाँ पर इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं x का, तो कितना होगा माइनस 4 बाई 5 एक्स, मल्टीप्लाई करने पे ही तो होगा इक्वल्स टू 32। इस 5 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 4 एक्स इक्वल्स टू 32 इंटू 5 का मल्टीप्लाई तो 5, तो x इक्वल्स टू 32 इंटू 5, ये जब माइनस 4 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा माइनस 4 से। देखो जब मल्टीप्लाई में कोई नंबर इधर आता है तो साइन चेंज नहीं होता, वो साइन के साथ जाता है, ये याद रहे हमेशा। अभी जब कट करोगे 4 8 जब 32 तो x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल्स टू 8 5 जब 40 और ये साइन माइनस का है तो माइनस 40 डिग्री। इसका मतलब कि यहाँ पर फारेनहाइट को भी अगर हम माइनस 40 डिग्री रखें और सेल्सियस को भी हम माइनस 40 डिग्री रख के सॉल्व करें, दोनों को एक ही साथ मत रख देना, अदरवाइज ना एफ रहेगा ना सी रहेगा। एक बार सी की जगह तुम 40 डिग्री रख के सॉल्व करो माइनस 40 डिग्री तो कुछ फारेनहाइट निकलेगा, एक बार 40 डिग्री यहाँ पर रख के सॉल्व करो तब कुछ आंसर निकलेगा, तो देखोगे दोनों आंसर तुम्हारा क्या आएगा, सेम आएगा। इसको सॉल्व करके देखना कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको वेरीफाई करना बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन था, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, आपने अगर पूरा देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए धन्यवाद कह रहा हूँ कि पूरा देखने में बड़े कम होते हैं, लोग बस बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर पूरा आपने देख लिया आपका कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा, शर्माइएगा नहीं, बोलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और हाँ, 10th की जो वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ, अगर आप मैथमेटिक्स को सच में पढ़ना चाहते हो, लीनियर इक्वेशन को समझना चाहते हो, तो उस 10th की वीडियो को ज़रूर देख लेना थोड़ा एडवांस नॉलेज के लिए, ठीक है। और जिसको 9th तक लेना है तो उसके लिए इतना क्लियर है, ज़्यादा बोझ दिमाग पर नहीं देना है, वैसे भी सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सुसाइड मत करना।